अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ खुशबू वाला मटन रोगन। तो मेरी इस रेसिपी के साथ आप बने रहें और मैं जिस तरीके से बता रही हूँ आप उसे उसी तरीके से फॉलो करें। सबसे पहले मैंने एक प्याज लिया है, प्याज को स्लाइस की तरह काट लें। प्रेशर कुकर का मैंने यूज़ किया है, इसी में हम अपने मटन को गलाएंगे। एक टेबलस्पून, एक से डेढ़ टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है इसमें। हल्दी चुटकी से और नमक एक टेबलस्पून, सिर्फ गोश्त नमकीन लगने के लिए। और मैंने 1 kg मटन लिया है इसमें। और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में आप इसे 5 से 6 सीटी लगा के ले लें। तो सालन को हम तड़का देने के लिए इसमें सबसे पहले मैंने लिया है तेज़पत्ता, 2 1/2 इंच के करीब में दालचीनी, 4 से 5 इलायची और 5 से 6 के करीब लौंग और कुछ काली मिर्च। तो यहाँ मैंने तड़का देना शुरू कर दिया है, तड़का दे दिया है मैंने। तेल मैंने 3 बड़े चम्मच के हिसाब से तेल लिया है इसमें और सारे खड़े मसालों को इसमें डाल दिया। और मैंने प्याज 1/2 किलो प्याज ली है मैंने, इसे भी स्लाइस करके ले लिया है। और प्याज को अभी इसी के साथ में हम भून लेंगे। जब तक हमारी प्याज भूनती है हम बना लेंगे दूसरे मसाले। ये खुशबू वाला मसाला है, इसमें मैंने लिया है कसूरी मेथी, सौंठ पाउडर, 1 टेबलस्पून सौंफ और 10 से 12 हरी इलायची मैंने लिया है। आपके पास केसर होगा तो आप केसर भी ऐड कर लीजिए। इसके बाद में मैंने इसमें इसी मसालों को निकालने के बाद में अदरक लहसुन और दही, ये 125 ग्राम दही है, इन 3 चीज़ों को मैंने एक साथ पीस के ले लिया। तो हमारी प्याज हो गई यहाँ पर। इसमें मैंने टमाटर का भी पेस्ट यूज़ किया है, 2 बड़े टमाटरों को मैंने पीस के लिया। सिर्फ टमाटर है इसमें और कुछ नहीं है। तो बड़े टमाटर को मैंने एकदम पहले सबसे पहले तेल में डाला है, प्याज के साथ में भून के लिया ताकि टमाटर का जो पानी होता है वो जल जाए अच्छे से। जब प्याज भून के हो जाएगी और टमाटर साथ में इसके भून के हो जाएगा तब इसके बाद में इसमें हमारा अदरक लहसुन और जो दही का पेस्ट मैंने बना के लिया था वो इसमें ऐड करेंगे। अब इन मसालों में हम ड्राई पाउडर मसाले यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है हल्दी पाउडर, बहुत थोड़ा सा यूज़ किया है मैंने हल्दी, 1/2 टीस्पून के करीब। इसी के साथ में मैंने धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून और 2.5 टेबलस्पून तीखा लाल रेड
चिली पाउडर मैंने यूज़ किया है इसमें, क्योंकि इसमें हरी मिर्च मैंने यूज़ नहीं की है, सालन में तीखापन इसी से आएगा। और इसी के साथ में मैंने गरम मसाला पाउडर भी ऐड किया साथ में, और नमक आप अपने हिसाब से ले लीजिए। आप ध्यान रखिए कि गोश्त में उबलने के वक्त भी नमक हमने डाला है, इसीलिए इसमें मसालों के हिसाब से ही सिर्फ नमक डालें। और इन मसालों को अच्छी तरीके से भून के लिए कम से कम 20 मिनट तक का, जब तक का तरी ऊपर ना आ जाए। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने ये सालन बनाया है खुशबू वाला मटन रोगन, आपको मैं बता दूँ ये बहुत ही लाइट है, खाना खाने के बाद में आपको इसे फील ही नहीं होगा, ना हैवीपन लगेगा और ना ही ज़्यादा प्यास लगेगी, बिल्कुल भी एकदम हल्का आपको फील होगा। तो ये रमज़ान में बना के खाएं आप ख़ास करके, और जो मैंने खुशबू वाले मसाले बताए थे उन्हें आप पाउडर बना के रख लीजिए, ताकि आप जब भी कोई भी सालन बनाए उसमें उसे ऐड कर सकते हैं, और उससे ये होगा कि आपको ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी। आप देख सकते हो मसाला जैसे ही तैयार हो गया भून करके, इसका कलर भी बदल गया है, और मैंने अच्छे से एकदम फास्ट गैस पे से लास्ट में भून के लिया, अच्छे से चला चला करके सब चारों कोनों से मसालों को एक जगह जमा करके ले लिया। फिर जो हमारे गोश्त हमने गला के लिए, गोश्त को मैंने ज़्यादा नहीं गलाया, देख सकते हो इसकी बोटी खड़ी खड़ी आपको दिखाई देगी, और इसे इसमें ऐड कर लेंगे। इसके साथ में मैंने कुकर में भी एक गिलास पानी डाल करके उस पानी को भी इसमें ऐड किया था, और इसे उबाल आने तक का पकाएंगे। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी इसमें और कौन से मसाले ऐड करने हैं। माशाल्लाह, आप देख सकते हो ये सालन का जो कलर है बहुत ही खूबसूरत सा आया है। अब इसे दोबाला करने के लिए मैंने इसमें ये ड्राई मसाला यूज़ किया है, जो मैंने आपको बताया था खुशबू वाले मसाले कसूरी मेथी, सॉल्ट पाउडर, सौंफ, इलायची, ये वही मसाले हैं। और ये मसालों को डालने के बाद देख सकते हो आप इसमें एक अलग से चमक आ गई है सालन में, इसमें खुशबू तो बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। पकने के वक्त जो खुशबू आएगी वो आप पकाते वक्त ही इसे महसूस कर सकते हो, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो आप प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो जो हमारा खुशबू वाला मटन रोगन है ये बनके तैयार हो चुका है, इसे आप चावल या रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ही लजीज बना है ये। आप देख सकते हो इसकी सालन की थिकनेस बिल्कुल भी पतला नहीं है ये। तो आप मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। अल्लाह।